बलूचिस्तान के शहर पंजगोर से हमारे गिदरोशिया पॉइंट के नुमाइंदा फरीद उमर से हक दो तहरीक और सिविल सोसाइटी पंजगोर की जानिब से टीचिंग अस्पताल पंजगोर और 50 बेड अस्पताल खुदाबादान में डॉक्टर्स की कमी, अद्वियात और दीगर सहूलियात के फुकदान के खिलाफ टीचिंग अस्पताल पंजगोर के मेन गेट के बाहर एहतजाजी धरना दिया गया। धरने से हक दो तहरीक के ऑर्गेनाइजर मुल्ला फरहाद, सिविल सोसाइटी पंजगोर के सदर समद सादिक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मकरान डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी शाह हुसैन आगा, मुमताज़ समाजी शख्सियत आदिल अरबाब, हक दो तहरीक के डिप्टी ऑर्गेनाइजर हाफिज सिराज अहमद, पंजगोर के मुमताज़ सहाफ़ी उमर माजिद, सिविल सोसाइटी पंजगोर के डिप्टी ऑर्गेनाइजर उमर जान और दीगर ने खिताब में कहा कि पंजगोर अस्पताल को टीचिंग अस्पताल का नाम देना भी टीचिंग अस्पताल की तौहीन है। अस्पताल में 40 डॉक्टरों की तैनाती के बावजूद एक भी मौजूद नहीं है। नंबर दो, 50 बेड अस्पताल में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। नंबर तीन, टीचिंग अस्पताल और 50 बेड खुदाबादान समेत तमाम GHUs में सालाना करोड़ों रुपए के फुर्तबुर के जमरे में है। नंबर पाँच, टीचिंग अस्पताल में 15 एम्बुलेंस होने के बावजूद एक भी एम्बुलेंस मरीजों के लिए मुयसर नहीं। नंबर छः, पंजगोर हेल्थ महकमा के सरकारी अदवियात बाजार के मेडिकल स्टोर में फरोख्त हो रहे हैं। नंबर सात, नाम निहाद हेल्थ कमेटी का फौरी तौर पर खात्मा किया जाए। नंबर आठ, टीचिंग अस्पताल और 50 बेड खुदाबादान में 24 घंटे इमरजेंसी डॉक्टर मौजूद हों। नंबर नौ, नर्सिंग कॉलेज में टीचर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है के पंजगोर में गुज़श्ता 30 सालों से दो जमात हुकूमत करते चले आ रहे हैं, मगर अस्पताल की बेहतरी के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि टीचिंग अस्पताल पंजगोर में ना डॉक्टर्स मौजूद हैं, ना ही अद्वियात और दीगर सहूलियात हैं।